सत्य के साथ। इस वर्ष हम आजादी के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान भी शुरू हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्वज को देखकर आज भारत का प्रत्येक नागरिक गर्व महसूस क्यों करता है? ऐसे समय में क्या आप उस तिरंगे का इतिहास जानते हैं? किसने हमारे तिरंगे को डिजाइन किया था, क्यों और कब बनाया गया था हमारा ध्वज? तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में तिरंगे के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिसे आपकी जानकारी में होना काफी जरूरी है। पहला, हमारे राष्ट्रध्वज का उपनाम तिरंगा मतलब तीन रंग क्यों कहा जाता है? हम भारतीय गर्व से अपने झंडे को तिरंगा कहते हैं जिसका अर्थ है तीन रंग। हालांकि ध्वज में वास्तव में चार रंग होते हैं, तीन नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केसर, सफेद और हरे रंग का अपना महत्व है जबकि नीले रंग का कोई महत्व नहीं है, केवल पहिए का ही महत्व है, इसलिए हमारे राष्ट्रध्वज का उपनाम तिरंगा है। दूसरा, आपको बता दें स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को मुक्त करने की घोषणा के बाद भारतीय नेताओं को स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता हुई। तदनुसार ध्वज को अंतिम रूप देने के लिए एक तदर्थ ध्वज समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिश पर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। तीसरा, स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज श्रीमती सुरैया बद्र उद्दीन तैयबी द्वारा डिजाइन किया गया था। हालांकि मूल रूप से पिंगली वैकिया ने भारत राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। श्रीमती सुरैया बद्र उद्दीन तैयबी द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अंतिम 17 जुलाई 1947 को ध्वज समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। चौथा, कब और किसने फहराया पहला ध्वज? आजादी के बाद पहली बार लाल किले के प्राचीर पर 16 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया था जो कि शनिवार को सुबह 8:30 बजे था। 15 अगस्त को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कई अन्य कार्यों में व्यस्त थे। लाल किले पर ध्वजारोहण की योजना बनाई गई और अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को यह झंडा फहराया गया। पांचवा और अंतिम, अब आपको हमारे ध्वज की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताते हैं। हमारे ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 2x3 है। यदि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 18 फीट है तो चौड़ाई 12 फीट होगी। तो ये थे तिरंगा से लेकर कुछ फैक्ट्स जिसे आपकी जानकारी में होना जरूरी था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज वायरस। सत्य के साथ।